स्थिति में राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ सभी सांसदों को बुलाना, जब चुनाव सर पर हो, इस तरीके के बैठकों के क्या आने वाले रणनीति के तौर पर आप लोग जिस तरह से देखते हैं? आप जानते हैं कि आज उत्तर प्रदेश की भी बैठक हो रही है, तो उसकी इशू क्या है? दूसरे प्रदेशों की भी बैठकें हुई हैं, उसका इशू क्या है? जनरल बैठक होती है, कटसी है संगठन का, हमारा तौर तरीका है कि सबसे मिलना जुलना, सबसे विचार लेना, अलग अलग लोगों की सोच होती है, सबको एक लाइन पर लाना और एक सूत्र में बांधना, ये हमारे अध्यक्ष का काम है। और हम लोग सभी एक बार मिलते हैं तो परिस्थिति, समस्या क्या क्या है, उस पर बात होती है। लेकिन 29 सीट से 17 सीटों पर चुनाव, इससे उनकी क्या हुई है? वो राष्ट्रीय अध्यक्ष जो किए हैं, अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्णय पर हम कमेंट नहीं करेंगे, जरूरत होगी तो हम उनसे बात करेंगे, लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष पर मैं क्यों कमेंट करूंगा? जब उन्होंने परिस्थिति, पूरा देश की समस्या जानते हैं और उसके अनुसार उनको फिट बैठा होगा किए होंगे, तो उस पर मैं कमेंट कैसे करूंगा? अच्छा, एक और सवाल था सर, कि इशूज को लेकर भी बहुत सारे सवाल हैं। आप लोग ट्रिपल तलाक लोकसभा में पास कर लिए, राज्यसभा में भी आप लोग कोशिश कर रहे हैं, राम जन्मभूमि का 4 तारीख को उस पर सुनवाई शुरू हो रही है, इस तरीके के मुद्दों को बिहार में सहयोगी दल हैं अलग अलग तरीके के सुर अपना रहे हैं, कोई कह रहा है कि विकास के डेवलपमेंट पर नहीं बात हुई है, कोई कह रहा है कि राम जन्मभूमि जैसे इशू पर अति उत्साह न दिखाए बीजेपी, तो इससे नहीं लग रहा है कि देखिए हर एक अलग अलग व्यक्तियों के बात का जवाब देना उचित नहीं है। हमारी पॉलिसी सब कुछ जानता है और हम पुराने लोग हैं, संगठन में रहे हुए, संगठन के दृष्टिकोण है, इसलिए हमको जो हमारे साथ आता है हमको समझ के आता है, अड़ंगा लगाने के लिए नहीं आएगा। उनको अपने अपने वोट बैंक को स्थिर करने के लिए उनको जो बोलना हो बोले, उस पर हम कमेंट नहीं करेंगे, तो वो अपना वोट बैंक बनाने, अपना कंस्टिट्यूंसी बनाने के लिए अपना बोली बोल रहे हैं, लेकिन जब हमारे साथ घटक में है तो मान के चल रहा हूँ कि हमारी मेजर पार्टी है और हमारी अभी तक की स्थिति, हम लोकसभा में और राज्यसभा में बहुमत में है, हम सबसे बड़ी पार्टी है, तो हमारी पॉलिसी को एडॉप्ट करेंगे लोग और सहयोग देंगे, विरोध नहीं करेंगे।